करवरिया बंधुओं को राहत। पूर्व बीजेपी विधायक उदयभान करवरिया समेत तीनों भाइयों को मिली अंतरिम जमानत। करवरिया बंधुओं को शादी में शरीक होने के लिए मिली जमानत। 22 साल पहले सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं करवरिया बंधु समेत चार लोग। यूपी के प्रयागराज 1998 में हुए सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करवरिया बंधुओं को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, उनके बड़े भाई एवं पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और छोटे भाई एवं पूर्व MLC सूरजभान करवरिया के 21 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। उन्हें आज देर रात तक छोड़ा जा सकता है। करवरिया बंधु की एप्लीकेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में घर में शादी के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी है। आगामी 6 जून को करवरिया बंधु दोबारा नैनी सेंट्रल जेल से सरेंडर करेंगे। यह जानकारी केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक एवं उप महानिरीक्षक कारागार PN पांडे ने दी। सपा विधायक जवाहरलाल हत्याकांड में हुई थी आजीवन कारावास की सजा। मूलतः कौशाम्बी के रहने वाले करवरिया बंधु वर्तमान में प्रयागराज के कल्याणी देवी मोहल्ले में रहते हैं। पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की पत्नी श्रीमती नीलम करवरिया प्रयागराज के ही मेजा विधानसभा से भाजपा की वर्तमान में विधायक हैं। तीनों भाइयों समेत चार लोगों को 1.5 साल पहले सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तभी से करवरिया बंधु नैनी सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक PN पांडे ने बताया कि आज देर रात तक तीनों भाइयों को जेल से रिहा किया जा सकता है। स्टार 7 TV न्यूज के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।